हेलो दोस्तों, मैं सर हिमांशु पांडे। मैं आज मैथ का एक टॉपिक गुणनखंड द्विघात बहुपद का गुणनखंड। द्विघात बहुपद कहते किसे हैं? एक ऐसा बहुपद जिसकी घात दो हो उसे बोलते हैं द्विघात। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो इट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आज हम देखेंगे किसी भी द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का गुणनखंड कैसे करते हैं। एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 जिसका हमको गुणनखंड करना होता है, तो हम एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट से कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशियंट 1 है और कांस्टेंट टर्म माइनस 18 है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में क्या हो जाएगा, माइनस 18। और तब इस 18 का हम फैक्टर करते हैं एलसीएम के थ्रू। 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। जो हमारे पास पेयर आया 2 × 3 × 3, हम ऐसा पेयर बनाते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 18 हो जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाए। हम देखेंगे कि पेयर 9 एंड 2 का बनेगा, क्योंकि हमको 9 माइनस 9 18 लाना है तो किसी एक को माइनस करना पड़ेगा। साथ ही यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर प्लस 7 आए, इसीलिए देखेंगे कि यदि यहाँ पर माइनस 2 कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर आपका माइनस 18 आ जाएगा एंड सॉल्व करने पर ये आपका 7 आ जाएगा। मीन्स मेरी यह कंडीशन फॉलो यहाँ पे हो रही है। इस वैल्यू को उठा करके यदि यहाँ पुट कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18 फोर टर्म का पेयर बन जाएगा। 2 2 पेयर, दो पेयर बनेगा 2 2 टर्म का। इसमें x का मान है x प्लस 9, यहां पर आपका माइनस का मान है माइनस 2 का मान है, माइनस यहां पर भी है माइनस यहां पर भी है। गुणनखंड करते वक्त हमें इस बात का ध्यान देते हैं कि जो पहले ब्रैकेट में आया हुआ है वही चीज आपका सेकेंड ब्रैकेट में भी आना चाहिए। यदि हम माइनस 2 काउंट करते हैं तो माइनस 2 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका x, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस 9। देख दोबारा दोनों में से प्लस x प्लस 9 कॉमन है एंड देन x माइनस 2। ये हम जनरल गुणनखंड करते हैं, जनरल फैक्टर करते हैं। यह फैक्टर से छोटे क्वेश्चन में काफी आसानी से सॉल्व हो जाता है, बट यदि क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट आ जाता है, अंडर रूट वाला आ जाता है, तो हमको प्रॉब्लम होने लगती है। उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज को देखेंगे हम। एक बेसिक मेथड तो है ही, साथ ही हम काफी अंदर की चीजें बताने वाले हैं। इस लाइन से जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन से थर्ड लाइन आता है, ये कैसे आता है, होता क्या है इसके बीच में देखेंगे कि यदि ये लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, इन दोनों में कॉमन है आपका x, x कॉमन है। जो हम कॉमन लेते हैं इसका मतलब यह होता है कि हम अंदर उस चीज से डिवाइड कर रहे हैं। मीन्स यदि x x कॉमन लिए हम अंदर x से डिवाइड कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ भी यदि हम x कॉमन किए तो यहाँ भी हम x से डिवाइड कर रहे हैं। सेम चीजें यहाँ पर भी, यदि हम यहां से माइनस 2 कॉमन ले रहे हैं मीन्स हम अंदर माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं। सिर्फ माइनस 18 माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं। यहां x से x कटा बच जाएगा x, x से x कटा बच जाएगा 9, माइनस 2 से माइनस 2 कट गया, यहां 2 से 8 कटेगा 18 9 टाइम में, और यहां पे माइनस नीचे बचा हुआ माइनस ऊपर, जब माइनस माइनस से डिवाइड होगा तो ये चीज हो जाएगा आपका कट जाएगा माइनस से माइनस और यहां पर आ जाएगा आपका प्लस। मीन्स
जब हमने x कॉमन किया तो यहां बच गया x प्लस नाइन माइनस टू, ब्रैकेट में फिर बचा x प्लस नाइन, अलग अलग ब्रैकेट में सेम कॉमन है x प्लस नाइन दे x माइनस टू। ये थी सिंपल क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं कॉमन लेकर के। लेकिन यदि क्वेश्चन ये ब्रैकेट में आ जाती है तो प्रॉब्लम होने लगती है हमको कि क्या चीज कैसे कॉमन करें, कैसे सॉल्व करें इस चीजों को। तो आइए आगे देखें कि हम नेक्स्ट क्वेश्चंस, यदि यही क्वेश्चन रूट में हो तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि रूट वाला देखते हैं, रूट वाला क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स रूट टू, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को यदि सॉल्व करना है तो सेम वही प्रोसेस, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करते हैं कॉन्स्टेंट तक। यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है आपका रूट टू, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है आपका रूट टू, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा आपका टू। देन हम टू का ऐसा फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर आपका टू आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर थ्री आ जाए। तो देखेंगे हमको फैक्टर मिलेगा टू एंड वन, यहां पर देखेंगे टू वन सा टू एंड टू प्लस वन इक्वल टू थ्री, सेम वैल्यू यहां पुट करेंगे, ये हो जाएगा रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स देन रूट टू। देखेंगे दो दो का पेयर बना लेंगे, पेयर कोई भी बन सकता है, या फर्स्ट सेकंड डायरेक्ट, या फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, कोई दो दो पेयर बना लेंगे जो आपको सुविधा देगा। जैसा हमने डायरेक्ट दो का पेयर बना लिया, यहां देखिए कि दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन दोनों में दिखाई दे रहा है कि हमको x कॉमन है दोनों में, जो दिख रहा है यहां दोनों में x कॉमन है। फिर देखिए क्या और कुछ कॉमन है क्या, दिनेश समझ में आ रहा है कि आप यहां x लाने के लिए टोटल रूट टू एक्स ही कॉमन ले लीजिए, टोटल रूट टू एक्स कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या होगा। जैसा कि हमने बताया कि कॉमन लेने का मतलब यह भी हो गया कि अंदर हम उसी चीज से डिवाइड कर रहे हैं, यहां हम उसी चीज से डिवाइड करेंगे रूट टू एक्स स्क्वायर अपॉन रूट टू एक्स प्लस सेम चीज यहां पर भी टू एक्स अपॉन रूट टू एक्स। यहां पर देखेंगे दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, यहां दोनों में वन प्लस प्लस वन लिखा हुआ है, मतलब प्लस वन हम दोनों में कॉमन ले लिए, ये हो जाएगा आपका x अपान प्लस वन प्लस रूट टू अपान प्लस वन। देखेंगे रूट टू से रूट टू कट जाएगा, x से x कटेगा बच जाएगा आपका x, x से x कटा फिर रूट टू एक्स ब्रैकेट में बच गया x प्लस टू अपान रूट टू, नेक्स्ट प्लस वन, वन से डिवाइड करेंगे सेम वही चीज आएगी एक्स प्लस यहां भी हो जाएगा आपका रूट टू। अब ये दिखाई दे रहा है कि दोनों ब्रैकेट में अलग अलग चीजें हैं, जबकि फैक्टर में ऐसा नहीं होना चाहिए, फैक्टर में दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज आनी चाहिए, यहां दोनों ब्रैकेट में सेम चीज दिखाई दे रही है बट है एक ही चीज। देखेंगे कैसे, यहां एक्स प्लस टू अपॉन रूट टू को x प्लस रूट टू के फॉर्म में लाने के लिए हम टू अपान रूट टू का रेशनलाइज करेंगे, फर्स्ट टर्म का रेशनलाइज है यूनिट टर्म का, ये हो जाएगा रूट टू जो डिनोमिनेटर में होता है, जो हर में होता है उसी से हम अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमिनेटर में भी उसी चीज से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी उसी चीज से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा टू रूट टू अपान, जब रूट टू का रूट टू में मल्टीप्लाई हो जाएगा
ये हो जाएगा 2, मीन्स 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका रूट 2। मीन्स कि हम x अपान 2 अपान रूट 2 को ऐसे लिखे या फिर रूट 2 लिखे, एक ही चीज है। हम इसको रूट 2 x x प्लस रूट 2 प्लस 1 x प्लस रूट 2 लिख सकते हैं। यहां पर दोनों में कॉमन है आपका x प्लस रूट 2, नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा रूट 2 x प्लस 1। ये फैक्टर रहा अंडर रूट वाला, रूट वाला फैक्टर। रूट में और भी कई सारे टाइप हैं, कभी कभी x वाले टर्म को भी रूट में दे देता है। जैसे हमने इसको लगाया तो x स्क्वायर वाले कोफिशिएंट को रूट में लिखा। कई फैक्टर में ऐसा होता है कि x वाला टर्म ही रूट में दे देता है और ये विदाउट रूट रहता है, उस कंडीशन में हमको सॉल्व करना पड़ता है। तो वहां भी प्रोसेस यही रहता है, पहले x स्क्वायर कोफिशिएंट से कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, उसका फैक्टर करेंगे, फिर देन कॉमन। बात ध्यान रहे कि यहां जो कॉमन लेते हैं उसी चीज से अंदर डिवाइड करते हैं। जैसे हमने यहां पर रूट टू एक्स कॉमन लिया तो नीचे जो अंदर जो बचा उसमें हमने रूट टू एक्स दोनों में डिवाइड किया। ध्यान दें डिवाइड दोनों में होगा क्योंकि दो पेयर आप एक साथ ले रहे हो। यहां प्लस वन कॉमन ले रहे हो तो प्लस वन दोनों में डिवाइड होगा। देन हमने एक्स से एक्स काट दिया, एक्स स्क्वायर था एक बच गया, रूट टू एक्स से रूट टू कट गया, x से x कटा, 2 अपॉन रूट 2 बचा, यहाँ x प्लस रूट 2। फिर हमने देखा कि 2 अपॉन रूट 2 इससे अलग दिख रहा है, बट कई बच्चे होते हैं कि जो जान नहीं पाते हैं कि ये चीज कैसे यहाँ पे आ गया, कैसे एक ही चीज है। उस चीज के लिए मैंने यहाँ पे बताया था, ये जो चीज के लिए बनाई हमने, ये परिमेयकरण बोलते हैं, हर का परिमेयकरण किया हमने। जो हर में होता है कर्णी में 2 जो है उसी से हमने अंश तथा हर में मल्टीप्लाई किया, उसको चेंज किया। एट लास्ट हमने देखा कि जो सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस रूट 2 वही चीज आपका फर्स्ट ब्रैकेट में भी आ गया। देख दोनों जगह x प्लस रूट 2 कॉमन है, x प्लस रूट 2 हमने लिया एंड देन रूट 2 x प्लस 1 एंड x प्लस रूट 2, ये आपका ओवरऑल फैक्टर है। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि जो x वाला टर्म रूट में होता है ये कैसे सॉल्व होता है। तब तक के लिए बाय, वीडियो देखें और इसका आनंद उठाएं, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए बाय बाय।